स्पेशल ऑन दिस चैनल बिकॉज आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं। और ये अलग ये है, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा चैनल कैसे हैक हुआ इसकी कहानी मैंने पूरे एक वीडियो में बताई थी। इन केस यू हैवंट वॉच इट, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मेरे चैनल के बायर की, लाइक मेरा चैनल जो 75,000 सब्सक्राइबर्स थे जिसने खरीदा था, उससे मैंने बात की एंड वो चैट एक्चुअली में बहुत फनी है। सो वैसे भी चैट किसी की भी हो, हम सबको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब इस वीडियो में मैं आपको मेरी और उस बायर की चैट दिखाने वाली हूँ एंड इट इज सुपर फनी। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट, राइट मोमेंट, कि हम उस वक्त बात करेंगे इन सब चैट के बारे में। तो पहले तो मुझे वो सारी चैट निकालनी होगी, क्योंकि ये जो चैट है वो की गई थी मेरे फेसबुक पेज पे। सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक तो रहता ही रहता है, तो उस लिंक पे जाके फिर उस बायर ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड ना काफ़ी अजीब सी लैंग्वेज थी। इसकी वजह से मुझे लगा कि भाई ये भाई साहब जो है वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले तो अवॉइड कर दिया। तो पूरा इंसिडेंट मैं बताती हूँ शुरुआत कहाँ से होती है। मेरा चैनल 30 जनवरी को हैक हुआ था, इट वॉज हैक बाय वन ऑफ द रशियन कंपनी। सो पीपल कैन बाय, वन ऑफ द पर्सन जो मेरी चैनल खरीदता है उसका नाम था मोहम्मद वा, बिकॉज ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज। उसने मुझे मैसेज किया मेरे फेसबुक पेज पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, उसने कहा ही हाउ आर यू नाउ आई चेक योर दिस वीडियो, दिस गाय कैन हेल्प यू स्काइप सो एंड सो। अब पहली बात तो ये, इस चैट को पढ़ने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। सो मैंने कहा लेट मी सी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन उसने फिर से एक मैसेज किया था, हालांकि अभी वो अवेलेबल नहीं है, और उसने कहा कि उसने ये जो वीडियो, ये जो चैनल है ये ईबे से खरीदा है। यस्टरडे 29 दिसंबर आई बॉट दिस चैनल, नाउ आई एम द न्यू ओनर ऑफ दिस चैनल, आई बॉट फॉर रीसेलिंग और मे बी आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द गेमिंग वीडियो। ये सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन था जो कि मेरे चैनल के अबाउट में डाला गया था चैनल हैक होने के बाद, और ये एक्चुअली 2 फरवरी की न्यूज है। फिर भी नाउ आई सी योर वीडियो दैट यू सेड इट्स हैक्ड, हु वाज द पर्सन दैट सोल्ड मी दिस अकाउंट, तो इफ यू सोल्ड टू मी व्हाई यू अपलोडिंग द वीडियोस लाइक दिस। उसका मतलब ये था कि अगर तुमने खुद अपना चैनल बेचा है तो भाई साहब आप ये क्यों डाल रहे हो कि आपका चैनल हैक कर लिया गया है। मैंने तो अपना चैनल बेचा नहीं था, और कोई भी हैकर ये कह के तो बेचेगा नहीं भाई साहब हमने हैक किया है, अब आपको हम बेच रहे हैं ताकि ये वाली जो मुसीबत है जाए और हमें पैसे मिले। ऐसे कुछ हुआ था। फिर भी मुझे उसकी बात अभी धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि क्या कहने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसे फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनका कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहा है बंदा। फिर उसने दोबारा मुझे मैसेज किया एंड सेड दैट ही हाउ आर यू आई डोंट हैक योर अकाउंट आई बाय दैट इन ईबे। उसने मेरा अकाउंट ईबे से खरीदा था। इफ यू नॉट सेल टू मी देन टेल मी बट आई नॉट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम यू। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उसने कहा कि सिंपली बताओ अगर तुमने नहीं भेजा है तो। मैंने उससे पूछा हे मे आई गेट योर नंबर, आई नो दैट यू हैवंट हैक्ड माय अकाउंट, दीज आर रशियन हैकर्स वर्क फ्रॉम ताइवान हु हैक्ड अदर्स यूट्यूब चैनल एंड सेल देम इन ब्लैक मार्केट वेयर प्राइजेस आर टू लो। ऑब्वियसली वो प्राइजेस कम क्यों ले रहे हैं, आपका चैनल जिसकी जितनी भी एक्चुअल में नेटवर्थ है उससे कम देंगे। उनका इंटेंशन ये रहता है कि एक्चुअली वो ब्लैक का माल है ना, तो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, किसी को बेच के निकल लेते हैं तो कम से कम कुछ तो पैसा उनको मिलेगा। पर उसने बताया दैट ही पेड $500, रियली आई नॉट डिलीटेड योर वीडियो स्टिल इन दिस चैनल। फिर मैंने कहा आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट द थिंग नाउ यू आर रियली गोइंग टू बी इन ट्रबल फॉर श्योर, क्योंकि तुमने अगर चैनल खरीदा है तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अब इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी ना, बात यह है इन्वेस्टिगेशन धीरे होती है, मतलब एक ग्रेजुअली होती है। सो फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया और बताया कि मुझे पता है लेकिन तुम फंसने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने चैनल कहीं से खरीदा है, तुमने तो खरीद लिया लेकिन तुमको पता नहीं है कि वो चैनल आया कहाँ से है, एंड वैसे भी मैंने यूट्यूब को बता ही दिया है, पुलिस में भी FIR हो गई, तो तुम फंसने वाले हो, एंड एक्चुअली मैं उस चैनल की वर्थ $10,000 है, ऐसा मैंने बोला। तो मैंने बढ़ा के बताया कि एक्चुअली मैं उसकी जो नेटवर्थ है वो $10,000 है एंड चैनल हैक कर दिया हैकर्स ने, तुमको भेज दिया, तुम प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो भाई। तो उसने कहा ओके गुड, बट नाउ आई सी देयर मेनी स्टूडेंट्स आस्किंग अबाउट यू आफ्टर लोगो चेंज, आई कैन सी द चैनल विथ हाई प्राइस बट यू वॉन्ट बैक, पे मी 50% ओनली। सो लाइक
इट्स द सिचुएशन वेयर मेरे चैनल के लिए तुम मुझसे ही पैसा मांग रहे हो, मतलब मैं अपने चैनल के लिए पैसा तुमको क्यों दूं? सो इट वाज लाइक दैट पर्सन वाज आस्किंग मी टू पे 50% ऑफ द प्राइस जिसमें उसने खरीदा है. मैं अपने चैनल के लिए 50% क्यों दूं भाई, मैं तो एक रत्ती भी देने वाली नहीं. तो थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए दैट पर्सन यूज्ड टू से बट यू आर अ गुड टीचर, रियली आई नॉट वॉन्ट यू लॉस दिस चैनल और सब्सक्राइबर्स. आई सेड डोंट वरी, मी एंड माई सब्सक्राइबर्स आर लाइक फैमिली विच इज ट्रू. सो आई डोंट थिंक आई नीड टू पे फॉर माई ओन चैनल. ऑब्वियसली वाई विल आई पे फॉर माई ओन चैनल? ऑलरेडी टॉक टू यूट्यूब टीम, सून अकाउंट विल बी रिकवर्ड. That person said, okay, goodbye. अब ये हम चले जाते हैं, बट एक्चुअली में हम गए नहीं थे. हमने 2 फरवरी को ही बहुत सारी चैट की थी थोड़े थोड़े टाइम बाद. लाइक उसको लग रहा था कि ये कन्विंस हो जाएगी और मुझे ये लग रहा था ये कन्विंस हो जाएगा. बाय, टेक केयर, एनी टाइम यूट्यूब विल लेट यू नो टू लेफ्ट द मैसेज दैट बाय, टेक केयर, एनी टाइम यूट्यूब विल गेट टू यू. ओके, थैंक यू, रिप्लाई, बट विद नो हार्ड फीलिंग्स. ऑनेस्टली फीलिंग सॉरी फॉर यू. देखो भाई, मुझे उस पर्सन के लिए इसलिए बुरा लग रहा था, आई डोंट नो दैट वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट इज, बट जैसा भी पर्सन है वो, उसके तो पैसे गए ना. हमेशा यही होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू इस फील्ड में आते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि उन्होंने खरीद लिया एंड ये एक वैलिड चैनल नहीं था जिस प्रोसेस के थ्रू उनको लेना था. बट यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी की, क्योंकि अगर उस पर्सन ने उस साइट पे जाके लिया है तो उसको पता होगा. नॉट फील सॉरी फॉर मी, आई एम बाइंग एंड सेलिंग चैनल्स, सो डोंट वरी फॉर मी. ओके, आई नॉट, बिकॉज यू हैव ट्रैप्ड बाय दोज हैकर्स. I can get my money in 1 or 2 days. That's great. Keep it up. Okay, bye. Take care of my channel. But I want to ask something. Can I? It's done now. I talk to you honestly like my teacher. But teaching doesn't allow me to earn more. But you not care. Bye. So in this profession helps in learning enough. Is this profession helps in earning enough? See. The thing is, ये वाला जो मैंने पार्ट बोला था उससे कि टीचिंग से ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि मैं उससे जानना चाहती थी अंदर की डिटेल कि ये जो वो काम करता है चैनल बाइंग एंड सेलिंग का, इसमें उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर का मज़ा लेते हैं, पता तो चले. नो वन नो इट इज हैक्ड चैनल और नॉट. ओ लाइक सीरियसली, रियली, यू गो टू यूट्यूब सेलिंग चैनल्स, इफ यू नो टेल मी, देन आई विल नेवर बाय दैट चैनल. तो वो बताता है कि अगर कहीं पे भी ये हो कि ये चैनल हैक किया गया है तो कोई पर्सन क्यों खरीदेगा. ये हमेशा एक फ्रेश कंटेंट की तरह दिखाया जाता है लोगों को कि एकदम फ्रेश चैनल है, यू कैन बाय दिस चैनल, सो लोग खरीदते भी हैं. ओके बाय, आई एम बिजी. एंड देन व्हाट दैट पर्सन डिड कि वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है और कहता है कि देखो ये जो तुम्हारे वीडियोज है ये मैं डिलीट करने वाला हूँ. तो वो ऑलमोस्ट डिलीट करने ही वाला था एंड फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया. वेल, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू माई चैनल बायर. वेदर यू डिलीट माई वीडियोज और नॉट, यू टू विल रिकवर इट एंड आई हैव बैकअप ऑफ माई ईच एंड एवरी वीडियो. गो बेटर टू स्लीप, अदरवाइज वेस्ट टाइम इन डिलीटिंग माई प्लस 780 वीडियोज. सो इट वॉज एक्चुअली वेरी फनी, क्योंकि वो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा था बार बार मैं तुम्हारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा. ये यूट्यूब पे मेरा ट्रस्ट था जो कि बाद में टूट गया. आई वॉज वेरी श्योर इनिशियली कि यूट्यूब मेरी सारी वीडियोस वापस कर देगा, कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये 2 महीने ले जाती है, 2 महीने में डेटा मेरा सारा चला गया. अभी उस चैनल पे ओनली 99 वीडियोस हैं पहले के, बाकी सारे वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं. फिर मैंने उसको एक स्क्रीनशॉट भेजा क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहा था, तो मैंने एक अपना पूरा फोल्डर का उसको स्क्रीनशॉट भेजा और उसे बताया कि देखो भाई इतना मेरे पास चैनल का बैकअप है, बेटर टू हैव गुड स्लीप. उसने कहा ओके थैंक यू बाय अगेन. फिर से वो आ जाता है और कहता है ही हाउ आर यू. आई डोंट नो ये अगले दिन की है, नहीं उसी दिन की एक्चुअली. मैंने कहा यस, क्योंकि मैं बैठी थी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन खोल के, मुझे पता था भाई तुम वापस आने वाले हो. आई नॉट फील गुड. मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया, तो मेरा चैनल खरीद के अच्छा नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा, व्हाट हैपेंड? फिर वो डिसाइड करता है कि आई विल गिव यू योर चैनल. सो गाइस, दिस वाज बिटवीन मी एंड माई चैनल बायर. सक्सेसफुली मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया है, बट जैसा कि उसने कहा कि
आपके कंट्री की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, तो एक्चुअली वो गवर्नमेंट का काम था ही नहीं, इट वॉज द वर्क ऑफ यूट्यूब, एंड यूट्यूब ने अपना काम किया, अभी वो भी 2 महीने में। यहाँ पे मैं कटाक्ष कर रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि 2 महीने में जो उसने काम किया है ना, उसमें मेरा डेटा तो वापस नहीं आया है, तो तकरीबन 700 वीडियोस तो मैंने खोई दी है, जो कि अब कभी वापस नहीं आने वाले। आप समझते हैं 10 मिलियन व्यूज थे उस पे, जो कि अब डायरेक्ट घट के 2 लाख पे समथिंग पहुंच गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस तो अवेलेबल है ही नहीं है, ओनली क्लास 11 के वीडियोस हैं। वेल लेट इट बी, जो भी हुआ, इट वॉज फन टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इस वीडियो को बनाना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट किस तरह से मैंने बात की थी। यू नो 30 जनवरी को हैक हुआ था चैनल, एंड 2 फेब को मैंने इससे बात की थी। बट उस वक्त क्या हुआ, आई वॉज थिंकिंग टू रिलीज दिस चैनल, आई मीन आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू रिलीज दिस चैट। अगर उस चैट को मैं उस वक्त रिलीज करती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, माइट बी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता। तो मैंने कहा, मतलब जब से दैट बहुत सही किया मैंने कि उस वक्त ये चैट को रिलीज नहीं किया। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस चैट की वीडियो बना के शोशी अडू वाले चैनल पर डाल दूंगी, लेकिन इसलिए नहीं डाली कि क्या पता इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। बहुत सही किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती ना, कि हो सकता है इन भाई साहब को गुस्सा आ जाता और जो बची कुची मेरी 99 वीडियो है वो भी डिलीट कर देते, तो यूट्यूब जो मेरा चैनल वापस देता ना, वो एकदम ब्लैंक चैनल वापस देता, जिसपे केवल और केवल मेरे सब्सक्राइबर्स रहते, वीडियोस एक भी नहीं रहते। थैंक गॉड मैंने ये अच्छा डिसीजन लिया। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के चैट पढ़ के सुन के आनंद कैसा आया, क्योंकि दूसरों की चैट पढ़ना इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग टास्क। कभी भी किसी का फोन उठा लेना और चैट पढ़ना, ओए ओए ओए, बड़ा मजा आती है। हालांकि मैंने ऐसे काम कभी किए नहीं है, आई डोंट नो दैट मैं ये ब्लैबरिंग क्यों कर रही हूँ, बट लेट इट बी, हियर वी आर एंडिंग अ वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट अ लॉट। आई डोंट नो कि कितनी लंबी होने वाली है और कितनी नहीं, क्योंकि मैंने उसको काफी ज्यादा पार्ट्स में बनाया, तो अभी कट करना बाकी है। क्या पता मैं आधी चैट बीच में कट कर दूं, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं होगी। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब स्टडी शिप विद प्रतीक 2 और 1। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ये डिसाइड करना कि ये वाली वीडियो जो है कहाँ पे जानी चाहिए, कहाँ पे नहीं जानी चाहिए।